मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में जरूरतमंदों को दान देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था, कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि अवसर लोगों को शांति और सद्भावना के उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा देगा।